नमस्कार, कृषि विज्ञान केंद्र मेहसाना के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम बबीता चौधरी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी गर्मी की सीजन स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे गर्मी भयंकर होने वाली है और उसमें हम लोगों को खास करके ये प्रॉब्लम होती है कि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी आना, और कमी इसलिए आती है कि जब गर्मियों में हम लोग क्या होता है कि सर्दी में हमारे शरीर में इतनी जरूरत पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी गर्मियों के अंदर हमारे शरीर के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है उस हिसाब से हम पानी का सेवन नहीं कर पाते हैं तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हम मैं कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहती हूँ या जैसे सब्जियाँ फल फ्रूट ऐसे कुछ बताना चाहती हूँ जिनका उपयोग करने से हम डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे खीरा काकड़ी की। खीरा काकड़ी जो होती है वो एक प्रकार की ऐसी ककड़ी है जिसके अंदर पानी का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हम सलाद में और इसका रायता बनाकर और इसको कच्चा खाकर या पकाकर भी हम खा सकते हैं। फिर आता है तरबूज। तरबूज को सुपर फ्रूट भी कहा जाता है जो बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद होता है और इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। तो ये फ्रूट ऐसा है कि हम गर्मियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन भी कर सकते हैं और जिससे हमारी पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। फिर आता है ज्वार। ज्वार का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का अनाज है और इसको सोरगम भी कहा जाता है, साथ में इसको हम ये कह सकते हैं मिलेट भी है। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, फिर साथ में इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है, आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग सर्दियों में बाजरी का इस्तेमाल करते हैं खाने में, लेकिन बाजरी से ज़्यादा जो ठंडक वाला है, बाजरी गर्म पड़ती है, जो ठंडक वाला खुराक है वो मतलब कि ज्वार है। ज्वार का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं गर्मियों के अंदर भी, इसकी खिचड़ी या इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर भी हम इसको खाने में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में ठंडक का काम करता है। फिर हम जैसे कि अभी गर्मी है तो दही छाछ का भी भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दही नॉर्मली खाते हैं लेकिन छाछ इतना ज़्यादा उपयोग में नहीं करते हैं। सर्दी में हम एक टाइम यूज़ करते हैं लेकिन गर्मी में हम चाहे तो 3 से 4 बार छाछ का उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर जो प्रोबायोटिक भी अच्छी मात्रा में होता है तो ये हमारे एनर्जी बनाने का काम करता है, इस मात्रा में हम उसको उपयोग में कर सकते हैं। फिर आता है पुदीना। पुदीना नॉर्मली एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर को ताजगी प्रदान करने का काम करती है। हम देखते हैं कि अभी गर्मी के सीजन में पुदीना बहुत अच्छे से मिलता है और इसकी चटनी बनाकर जो भी हम पीने के लिए मान लो कोई भी शरबत बनाते हैं या कोई भी ड्रिंक बनाते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ में पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इसका जो रायता भी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं रूटीन के हिसाब से। फिर साथ में इसका एक मान लो कि रोज़ यूज़ करना है तो इसका एक डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं जिसमें लोग अपन रूटीन में जो पानी यूज़ करते हैं उसके अंदर हम पुदीने के पत्ते या पुदीने के पत्ते डालकर उसके अंदर रख दे तो वो हमारे डिटॉक्स वाटर का काम करेगा। फिर बात करते हैं नारियल पानी। अभी नारियल पानी जो है अगर हम रूटीन में इसको यूज़ करें तो गर्मी के मौसम में जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी हम नॉर्मल कर सकते हैं और नारियल पानी भी ठंडक का काम करता है। फिर हम बात करेंगे हरी सब्जियाँ, तो नॉर्मली मिलती है लेकिन हरी सब्जियाँ भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी का प्रमाण ज़्यादा हो, जैसे टमाटर है, तोरी है, लौकी है, देसी ककड़ी जो हमारे जिस एरिया में जो ककड़ी होती है उसमें भी पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है तो उसका भी हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। फिर साथ साथ में हम गन्ने का जूस, लोग देखते हैं कि अभी गर्मी की सीजन है तो हर जगह हर आधे किलोमीटर में हमें गन्ने का जूस फ्रेश अवेलेबल हो सकता है। हम बाहर निकलते हैं तो हर 400-500 मीटर की दूरी पर हमें प्यास या गला सूखना ये लक्षण होते हैं, लेकिन अगर हमें ये जो गन्ने का जूस हर जगह अवेलेबल होता है तो हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए, तो इससे भी हम हमारे शरीर में जो पानी की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही में हम लौकी या लौकी का जूस भी बना सकते हैं, उसकी स्वीट बना सकते हैं, जो लौकी के अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है तो उसको भी हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।
अभी जैसे कि अभी गर्मी की सीजन है, तो नॉर्मली कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लू वगैरह लगने का भी ज़्यादा रहता है। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गर्म हवाएं चलती है, तो उस वजह से एकदम गर्मी में निकलते हैं, ठंडे से बाहर की तरफ निकलते हैं गर्मी में, तो इससे हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन भी होता है, लू भी लगती है, जिसकी वजह से डायरिया भी होता है। तो गला सूखना, ये सब हमारे डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। तो चक्कर आना, ये सब इनकी वजह से हम काफ़ी मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से हम और भी मतलब लू से बचना हो तो जैसे कि अभी केरी की सीजन है, तो केरी की सीजन में तो हम नॉर्मली पक्के आम का तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, ये शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, लेकिन कच्ची केरी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सलाद में खा सकते हैं, उसका मान लीजिए कि उसका पुदीने के साथ में उसका शरबत बना के उसका उपयोग करें तो भी हम लू से बच सकते हैं, क्योंकि जो कच्ची केरी होती है उसकी पौष्टिकता पक्की केरी से भी ज़्यादा अच्छी होती है, और उसमें ठंडक करने वाले केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमें ठंडक प्रदान करते हैं। फिर साथ में हम जैसे प्याज है, प्याज का हम उपयोग करते हैं लेकिन पका कर खाते हैं, इस तरह से खाते हैं। कुछ लोगों को ये रहता है कि प्याज खाने से मुंह में से बदबू आती है, वो रहता है, लेकिन प्याज जो है जितना फ़ायदा कारक है वो लू इतना मतलब कि बाकी कोई सब्जी इतनी फ़ायदा कारक नहीं है गर्मियों में। गर्मियों में लू से बचाने का काम प्याज करता है, और प्याज को हम उसको सलाद बना के उपयोग करें, उसका रायता बना के उपयोग करें, प्याज को सब्जी बनाकर उसके उपयोग करें, पराठे बनाकर उसका उपयोग करें, जितना हो सके हम गर्मियों में इस टाइप की जो सब्जियाँ रहें उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर साथ में हम बात करेंगे नींबू। नींबू तो विटामिन सी का राजा है, और इसका भी हम भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी सलाद लेते हैं तो उस सलाद में हम नींबू निचोड़ कर उपयोग करें, उसका शरबत बना सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, और वार्म वाटर के साथ में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने बातें बताई है वो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए है, और उससे बचने के लिए यही है कि हम जितनी भी है जो भी फ्रूट वेजिटेबल जितना ज़्यादा पानी पी सके उतना ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदा कारक होगा। हम घर से निकलते हैं, घर से तो हमें कम से कम हमारे पास में एक बोतल होनी चाहिए, ताकि हम जब ज़रूरत पड़े तो उस हर आधे घंटे में उस पानी का सेवन कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गर्मी ज़्यादा है और गर्मी में बचने के लिए इन सभी सब्जियों का, फलों का और ड्रिंक्स का उपयोग करें जितना हो सके। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में जो भी अवेलेबल है उन चीज़ों का उपयोग नहीं करें। घर पे बना के शिकंजी है, शरबत है, इन सब चीज़ों का उपयोग करें। थैंक यू।